तो आज मैं बनाने वाली हूँ पॉपलेट फ्राई मेरे स्टाइल में। तो देख सकते हो आप लोग इसकी कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और मैं बनाऊंगी पॉपलेट। तो देखिए मैंने ये पॉपलेट ली है और उसकी जो हेड है वो मैंने इस तरीके से कट कर लिया, और ये बीच में भी मैंने इस तरीके के दोनों साइड इस तरीके के छोटे छोटे से मैंने कट लगा दिए ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको मैंने ना एक घंटा पहले हल्दी और नमक लगा के रख दिया था अच्छे से, जो नमक जो है ना वो मच्छी के अंदर अच्छे से बेहोश हो जाए। और ये मैंने मसाले लिए हैं। तो मसालों में मैंने क्या लिया है, तो ये भुना हुआ ज़ीरा है, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कूटी हुई मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। और ये मैंने ली है 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और ये 2 नींबू लिए हैं। देखते हैं इसमें कितने नींबू की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो बस इस तरीके से अभी सब साइड में कर दूँगी और मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर ये कोथमीर यानी कि हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसकी जो नीचे डंडी होती है ना तो उसको भी लेना है, जो पीछे वाला पार्ट होता है थोड़ा सा वो भी ले। इस तरीके से अभी इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर मैं अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, अगर आपको लगे तो आप थोड़ा, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड किया है और इस तरीके का इसका एक पेस्ट बना लिया है। दरदरा पेस्ट है ये, तो बस ऐसा ही पेस्ट मुझे चाहिए। तो ये मैंने एक बाउल लिया है और ये बाउल के अंदर मैं ये पेस्ट डाल दूँगी। इसमें हरी मिर्ची है और कोथमीर है, ये डाल दिया है इसको अच्छे से। अभी इसके अंदर एक एक करके सभी मसाले हम लोग को मिक्स करने, तो पहले मैं इसके अंदर एक नींबू काट के डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं एक बड़ा वाला जो नींबू है वो लूँगी और वो इसके अंदर डाल देंगे। पहले नींबू को हाथ से इस तरीके से, आप हमेशा इसे इस तरीके से मसल लें हाथों से ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, जूस जो है ना वो अच्छे से निकल आए। देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी मैं इसको कट करके ना इसका नींबू का रस निकाल के इसमें डाल देंगे। तो हाथ को इस तरीके से रखें और नींबू का रस निकालें ताकि जो भी इसकी बीज है और इसके जो अंदर के रेसे होते हैं वो अपने हथेली में आ जाएंगे सभी। तो इसी तरीके से मैं ये नींबू इसमें डाल दूँगी निचोड़ के। तो मेरे पास नींबू निचोड़ने वाला नहीं है तो इसीलिए मेरा ये देसी जुगाड़ है। तो ये देसी जुगाड़ से मैं आज काम चला रही हूँ, आज क्या हमेशा ही मैं इसी से काम चलाती हूँ ऐसे। तो ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से इसे अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी। ये पूरा नींबू मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैंने 2 नींबू लिया था लेकिन मुझे ध्यान आया कि मैं इसमें तो दही भी ऐड करने वाली हूँ, तो नींबू दही में थोड़ी खटाश है। अभी सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो ये अदरक लहसुन और सभी मसाले जो आपको मैंने बताए 3 मसाले सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखो। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 कप के करीब दही है ये मेरे पास, तो इसमें पानी कम है, ये थोड़ा थिक दही है और इसमें थोड़ी सी खटास भी है, इसीलिए मैंने नींबू 2 डालने वाली थी लेकिन मैं 1 का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दही में थोड़ी खटास है। और ये देखिए ये पेस्ट जो है वो रेडी है। और अभी इसके अंदर जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे अच्छा हल्का सा कलर आ जाएगा इसके अंदर। तो मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आया और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर ना स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँ क्योंकि नमक ध्यान से डाले, जो मच्छी को मैरिनेट किया था उसमें भी मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला था और अभी भी मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाली। तो टोटल फिश में मैंने 1 चम्मच के करीब नमक का इस्तेमाल किया। ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी और 2 चम्मच इसमें चावल का आटा डालेंगे। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, और आप अगर सिर्फ कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हो तो चावल का आटा नहीं यूज़ करें, और अगर सिर्फ चावल के आटे में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हो। बहुत से लोग बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेसन जो है वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहता है। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर फिश बनाने के कुछ देर तक के फिश जो है ना हमारी क्रिस्पी रहती है, और बेसन जो है ना वो कुछ ही देर में सॉफ्ट हो जाता है यानी कि नरम हो जाता है, तो वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और जिस हिसाब से मैं जैसे कि मच्छी के ऊपर पेस्ट तो ऐसा बना लूँगी कि मच्छी पे अच्छे सही से चिपक जाए, लग जाए, उस तरीके का एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो बस सभी मसालों के साथ इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और ये देखिए ये पेस्ट जो है मेरा ये रेडी है, इस तरीके का पेस्ट है ये। तो इसके जो हमने
अंदर चीरा किया था, मतलब जो कट किया था, इसके अंदर मसाला भरते हुए आजू बाजू से पूरी फिश को इससे कवर कर देंगे। तो देखिए ये बहुत यम्मी लगती है। मेरे घर में पॉपलेट मच्छी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सब बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो सिर्फ पॉपलेट ही पसंद है, वो कोई दूसरी फिश खाना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ पॉपलेट खाना पसंद करते हैं। तो देखिए ये मैं 1 kg का मैंने मेजरमेंट आपको बताया, 1 kg मैंने पॉपलेट ली थी, तो इसके अंदर 9 से 10 पीस आ गए थे। मीडियम साइज़ वाली ये फ़िश है, तो देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको कट लगा के, तो इस तरीके से सभी फ़िश मैं रेडी कर लूँगी। और इसे कुछ देर के लिए ना, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आप आधा घंटा, अगर आपके पास टाइम है तो इसको 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हो, ताकि सभी मसाले का फ्लेवर जो है ना फ़िश के अंदर आ जाए। लेकिन टाइम कम है तो मैं भी इसे सिर्फ आधा घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी। तो अभी सब फिश इसको अच्छे से मसाला इसके ऊपर लगा के इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि इसमें मिर्ची, नमक, जो भी हमने स्पाइस डाले हैं उन सब का फ्लेवर हो। देख सकते हो इस तरीके से मसाला लगा के मैंने इसे रख दिया था। तो साइड में तवा रखा है, देखिए ये गर्म हो रहा है तेल, आधा घंटा हो चुका है। और तेल को एकदम धुआं निकले तक, ऐसे धुआं धनकार तेल होता है ना, एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए। फिश हमेशा ज़्यादा गर्म तेल में ही डाले, कम गर्म तेल में ना डाले इसको, हमेशा इसे ज़्यादा तेज वाले ही तेल में डाल के फ्राई करें। तो देखिए इस पर से धुआँ निकलने लगा है तेल में से, और अब एक एक करके फिश मैं इस पर लगा दूँगी। और जो मसाला थोड़ा सा मेरे पास बचा है ना, तो वो भी मैं इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ अच्छे से, ताकि पूरा फिश पे अच्छा मसाला जो है वो लग जाए। देखिए इस तरीके से, तो थोड़ा सा मसाला मेरे पास बचा है, तो मैं सभी फ़िश के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से लगा दूँगी, ताकि मसाला वेस्ट ना हो और फिश जो है वो भी अच्छे से हमारी मसालेदार बने। और ऐसी फ़िश बहुत अच्छी बनती है, आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मसाला पॉपलेट में ही यूज़ होता है, इस मसाले से आप कोई भी तरीके की फ़िश बना सकते हो। अगर आप उसे फ्राई कर रहे हो तो ये मसाले से आप कोई भी फ़िश फ्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहो तो इसमें फूड रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नेचुरल, मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया था तो सिर्फ वही रखा है। इसको एकदम संभाल के टर्न कीजिएगा, तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया, एकदम क्रिस्पी हो गई है। और ये दूसरी वाली जो है इसको भी मैं अच्छे से टर्न कर दूँगी, तो ये देखिए। और इनको लो टू मीडियम के ऊपर फ्राई होने देंगे, ना ज़्यादा आँच को फुल करेंगे ना ज़्यादा कम, एकदम मीडियम आँच के ऊपर इनको अच्छे से। तो दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और फ़िश एकदम फ्रेश और एकदम ताज़ी फ़िश है। अगर फ़िश ख़राब हो तो वो टूटने लगती है बहुत जल्दी, पकने के साथ ही वो टूट जाती है, और ऑयल में जैसे ना झाग आने लगता है। तो ऑयल में कब जब भी झाग आए, अगर आप फ़िश फ्राई कर रहे हो तो समझ जाइएगा कि फ़िश आपकी ख़राब है और फ़िश मेरी रेडी है। तो ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है, कितनी मस्त दिख रही है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी, तो ये देखिए। तो अभी मेरे पास हरा धनिया कटा हुआ नहीं है, लेकिन मैं अभी इस पर थोड़ा हरा धनिया भी डालूँगी। ये देख सकते हो इस तरीके के नींबू रखकर, और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो हम बाहर खाने जाते, एकदम 5-स्टार होटल की जैसी डिश रेडी हो चुकी है। तो ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल का नाम है स्टार कुकिंग, जो कि आप जानते ही हो। बस तो ये है खाने के लिए तैयार, और मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि पकी है या नहीं पकी है। तो देखिए ये अच्छे से पक गई है, एकदम सॉफ्ट है। तो देखिए मैं इसे चम्मच से निकाल के आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगी आपको कि ये कैसी बनी है। फ़िश जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। माशाल्लाह बहुत यम्मी बनी है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।